मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा। अब देखिए हमारी सिस्टम कितनी वैज्ञानिक रही है। हमारे यहां कुएं होते थे, कुएं पर वो लगाई जाती थी पुली, तो नहाना होता था तो कुएं में बाल्टी डालनी पड़ती थी और बाल्टी से पानी खींचना पड़ता था, तो उसमें श्रम लगता था। तो जब हम एक बाल्टी पानी खींचते थे तो हमको एक बाल्टी पानी का दर्द पता होता था कि एक बाल्टी पानी कैसे निकाला जाता। अब विदेशी टेक्नोलॉजी आई, उसने हमारे घर में नल लगा दिया तो भल पानी बहता ही रहता है, हमको दर्द ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। जब कुएं से पानी खींचना पड़ता था तो मांसपेशियों में दर्द होता था, तो एक बाल्टी पानी में नहा लेते थे। अब हमको 5-5 बाल्टी चाहिए क्योंकि दर्द नहीं है हमको कि पानी आता कहां से है। यह थी हिंदुस्तानी समाज की व्यवस्था जिसमें संयम की बात कही जाती थी, और इस समाज में जो जितना संयमी है वो उतना ही ऊंचा है। हमारे समाज में तो महान कौन रहा और ऊंचा कौन माना गया? जिसने शहीदी ओढ़ी या फकीरी ओढ़ी वो महान है इस देश में। देख लीजिए आप उदाहरण उठा के, भगवान राम जब तक राजकुमार हैं महल में रहते हैं कोई नहीं जानता, महल त्यागा, फकीरी ओढ़ी और 14 साल के लिए वन में चले गए तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए। हम पूजा मर्यादा पुरुषोत्तम की करते हैं, राजकुमार राम की पूजा नहीं होती इस देश में। महावीर स्वामी जब राजकुमार हैं महल में रहते हैं कोई नहीं जानता, त्याग करने के लिए निकल गए जंगल में और तपस्या की भयंकर, छोड़ दिया जीवन का सारा मोह और त्याग दिया सब कुछ तो तीर्थांकर हो गए। हम तीर्थांकर महावीर स्वामी की पूजा करते हैं ना कि राजकुमार महावीर स्वामी की। महात्मा बुद्ध राजकुमार हैं महल में रहते हैं कोई नहीं जानता, महल छोड़कर तपस्या के रास्ते पर चले गए तो महात्मा हो गए, उनकी पूजा होती है। गांधी जी 3-piece सूट और टाई लगाते हैं तो बैरिस्टर हैं, जिस दिन सूट जला दिया टाई जला दी एक लंगोटी ओढ़ ली तो महात्मा गांधी हो गए। कृष्ण जब तक रहते हैं मथुरा में तो राजकुमार हैं, मथुरा छोड़ी वृंदावन छोड़ा और पहुंच गए द्वारका में तो भगवान कृष्ण है। हम पूजा किसकी करते हैं, किसको अपना बड़ा मानते हैं? हम पूजा करते हैं जो जितना बड़ा त्यागी है उसकी। सिख धर्म में जो पूजा की जाती है जिन बड़े गुरुओं की, वो गुरु कौन है? जिन्होंने समाज के लिए अपना घर छोड़ा, जिन्होंने समाज के लिए अपनी पत्नी को कत्ल करवा दिया, समाज के लिए अपने बच्चों को दीवार में चिनवा दिया, उनकी पूजा होती है। तो इस देश में तो हमेशा से जो जितना बड़ा त्यागी, जो जितना बड़ा फकीर, वो उतना ही ऊंचा है। ये भारतीय समाज की विशेषता है। तो हमने तो त्याग और संयम को ही हिंदुस्तानी संस्कृति का बेस माना है। यूरोप और अमेरिका में क्या है, इसके ठीक उल्टा, जो जितना भोग करे वो उतना ही डेवलप्ड है। माने किसी के पास एक कार है तो कम डेवलप्ड है, दो हो जाए तो ज्यादा है, तीन हो जाए और ज्यादा, चार हो जाए और ज्यादा, और 10-12-50 हो जाए तो बिलियनर है। यहां तो जिसने छोड़ा है वो भगवान है, वहां तो जो भोग रहा है उसको कहते हैं कि वो। और आप देखिए जीवन का आनंद भोगने में नहीं है, त्यागने में है। ये गंभीर बात आप समझ लीजिए तो जीवन आपका हमेशा खुशी रहेगा। जीवन के कोई भी क्षण को अनुभव करिए, आप सबसे ज्यादा आनंद कब महसूस करते हैं? जब सवेरे ही सवेरे उठते हैं, शौच के लिए जाते हैं, कुछ त्याग करते हैं, तब आनंद मिलता है। ये हंसने की बात नहीं है, ये बहुत गंभीर बात है। हां, सवेरे ही सवेरे उठते हैं, शौच के साथ साथ मूत्र का त्याग करते हैं,
तब आनंद मिलता है। सोचिए तो सही, यहां तो त्यागने में आनंद है, भोगने में आनंद नहीं, और भोगने की कोई सीमा नहीं होती, त्यागने की एक लिमिट है, आप अवर लिमिट तक जा सकते हैं, भोगने में आप डूबना शुरू कर दीजिए उसमें से बाहर नहीं निकल पाए। इसलिए भारतीय संस्कृति हमेशा से त्यागने पर जोर देती है, भोगने पर नहीं। भोगी जो होता है, जो कामी होता है, जो विषय वासना में डूबा होता है, वो हमारे समाज में सबसे निकृष्ट माना जाता है। भारतीय समाज में जो त्यागी है वो ऊंचा माना जाता है, ऊपर उठा हुआ माना जाता है। तो यहां डेवलपमेंट की यात्रा क्या है, भोग से त्याग की तरफ, ये है डेवलपमेंट। और ये डेवलपमेंट अगर हम नहीं समझेंगे तब तक हिंदुस्तान का शायद कल्याण नहीं होने वाला। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।